हेलो स्टूडेंट्स, वी आर हियर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ KVPY SA क्वेश्चन पेपर व्हिच वाज हेल्ड ऑन 5th November 2017. लेट्स ऑब्जर्व व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज. टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ सेम मास आर कैप्ड इन टू आइडेंटिकल वेसल्स व्हिच आर प्लेस्ड इन अ फ्रीजर दैट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम देम एट द सेम रेट कॉजिंग ईच लिक्विड टू ट्रांसफॉर्म इन टू अ सॉलिड. स्केमेटिक फिगर बिलो shows the temperature capital T versus time small t plot for the two materials. We denote the specific heat of the liquid to be Cl1 and Cl2 for materials 1 and 2 respectively, and latent heats of fusion to be U1 and U2 respectively. So, हमें basically इस graph को देख करके पता लगाना है कि इन सभी quantities के बीच में relation क्या है. Now, observe कीजिए, अगर हम बात करते हैं same state of material पर उसके temperature variation की, then the amount of energy extracted or energy provided is given by this equation, right? So, जो amount हम देते हैं energy का, वो किस तरह से temperature में change लाता है, वो यहाँ पर इस equation से show हुआ है. But try to understand कि अगर हम freeze कर रहे हैं, या फिर हम किसी body का temperature decrease कर रहे हैं, then you can understand that delta Q should be taken out, and hence there should be a negative sign, right? Now, अगर हम इस equation को टाइम से डिवाइड कर दें एंड लिमिट लगा दें टाइम पर, दैट लिमिट ऑफ टाइम इज वेरी स्मॉल, देन ऑब्वियसली ये जो लार्ज चेंजेस हैं वो स्मॉल चेंजेस में बदल जाएंगे एंड वी विल बी गेटिंग dQ/dt इन द LHS. नाउ व्हाट इज dQ/dt? dQ/dt इज नथिंग बट पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ प्रोवाइडिंग द एनर्जी इज योर पावर. नाउ दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ m टाइम्स स्पेसिफिक हीट टाइम्स dT/dtime, राइट? नाउ प्लीज ऑब्जर्व, पावर इज कॉन्स्टेंट हियर. सो अगर मैं इस डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ एंड देन फिर इंटीग्रेट करूँ इस इक्वेशन को, टेकिंग एम एंड सी कॉमन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है, एंड पावर आउट ऑफ इंटीग्रेशन अगेन बिकॉज ये भी कॉन्स्टेंट है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कुछ इस तरह की इक्वेशन, माइनस ऑफ एम इंटू सी इंटू टी प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू पी इंटू टी, राइट? सो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है जो कि टेम्परेचर एंड टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. मोर ओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहां पर हमें स्लोप क्या मिलेगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्लोप हियर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ. प्लीज ऑब्जर्व, ग्राफ में टेम्परेचर इज ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस. सो हमें जो स्लोप मिलेगा वो मिलेगा dy/dx, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है ना. यहाँ पर k डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ m इंटू सी विल बी योर k डैश. नया एक कॉन्स्टेंट ले लिया एंड रिमेनिंग क्वांटिटीज कुछ इस तरह से आ गई, राइट? मुझे ये पहले इक्वेशन लिखनी चाहिए थी, बट नंदरस कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं. सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, स्लोप यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? dy/dx या dT/dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ p डिवाइडेड बाय m इंटू सी. नाउ स्लोप का वेरिएशन क्यों होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई स्लोप विल बी डिफरेंट इन द टू डिफरेंट मटीरियल्स. नॉट बिकॉज पी सेम है दोनों के लिए, पावर कंज्यूम्ड या पावर एक्सट्रैक्टेड सेम है, मास सेम है, बट सी स्पेसिफिक हीट इज गोइंग टू चेंज. सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर जो स्लोप वेरिएशन है वो इसलिए है बिकॉज दोनों मटीरियल्स के सी वैल्यूज, दैट इज स्पेसिफिक हीट वैल्यूज, डिफरेंट है. सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर मैं इस रिलेशन को ऐसे भी कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जिसका ज्यादा होगा ग्रेटर द स्लोप, देन उसके लिए जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए स्पेसिफिक हीट वैल्यू कम होनी चाहिए, राइट? एंड नाउ अगर हम ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं, सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, रेड कलर का जो ग्राफ है, दैट इज फर्स्ट मटीरियल का ग्राफ, उसके लिए ये वाला जो पार्ट अभी हाईलाइट किया है मैंने, दिस इज द पार्ट इन विच लिक्विड इज एक्सपीरियंसिंग अ डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, राइट? सो लिक्विड का टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, एंड सिमिलरली सेम लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है सेकेंड ग्राफ में, जिसे अगेन मैंने हाईलाइट किया. सो पॉइंट ये है कि अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करें, देन उस केस में आप देख सकते हैं कि स्लोप फर्स्ट ग्राफ का हायर है. सो वी कैन से कि अगर स्लोप ऑफ वन इज हायर देन स्लोप ऑफ टू, प्लीज ऑब्जर्व हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, राइट? देन उस केस में वी कैन ऑल्सो से दैट 1/Cl1 इज ग्रेटर देन 1/Cl2, एंड अगर आप इसे रीअरेंज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा Cl1 इज लेस देन
Cl2, राइट? सो दिस इज आवर रिलेशन. सो ये कहाँ दिख रहा है? Cl2 इज ग्रेटर देन Cl1, आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है एंड ऑप्शन डी में दिख रहा है. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एंड देयरफॉर बिकम्स द रॉन्ग आंसर, राइट? सो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आती है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि हमें इन दोनों मटेरियल्स की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को को हमें यहाँ पर कंपेयर करना है. नाउ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम फ्रीज़र के हिसाब से सोचें, फ्रीज़र की पावर जो कंज्यूम करने की कैपेसिटी है या फ्रीज़र जितनी पावर कंज्यूम करेगा इस मटेरियल से, दैट इज़ कॉन्स्टेंट. सो पावर कैन नॉट चेंज, राइट? नाउ जब यही पावर ड्राइव करेगी उस पोर्शन को जहाँ पर, उस पोर्शन ऑफ टाइम को जहाँ पर लिक्विड फ्रीज होगा, वो कन्वर्ट होगा सॉलिड में, जहाँ पर फ्यूजन होगा, देन इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट दिस पावर शुड बी इक्वल टू द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड, राइट? एनर्जी एक्सट्रैक्टेड इन केस ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय द टाइम, राइट? और यू कैन से दैट एनर्जी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि जब फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या वाइस वर्सा, उन सिचुएशन में QF की वैल्यू को हम मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड सिंस ये प्रोसेस फ्यूजन की है, लिक्विड इज फ्रीजिंग इनटू सॉलिड, देन यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. नाउ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए सिंबल इस्तेमाल किया गया है U. सो नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिख लेते हैं. सो दिस इज योर M टाइम्स U, विच इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. नाउ प्लीज ऑब्जर्व, दोनों ऑब्जेक्ट्स के, दोनों मटेरियल्स के लिए मास सेम है, पावर सेम है. सो कैन वी से दैट यू शुड बी प्रोपोर्शनल टू डी? तो जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है फ्रीजिंग के लिए, फ्यूजन के लिए, उसी का यू भी ज़्यादा होगा, बिकॉज मास दोनों के लिए सेम है, पावर एक्सट्रैक्टेड भी सेम है, राइट? सो प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इस लिक्विड को कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर फ्यूज होने में दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम लगा, राइट? वेयर अ सेकेंड मटेरियल को फ्रीज होने में इतना टाइम लगा. वी कैन से कि टाइम टेकन बाय द सेकेंड मटेरियल टू फ्रीज इज लेस देन द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट मटेरियल. सो वी कैन सिंपली से कि अगर T1 इज ग्रेटर देन T2, देन इस रिलेशन से, U प्रोपोर्शनल टू T रिलेशन से, हम कह सकते हैं U1 इज ग्रेटर देन U2, एंड हेंस ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपको C में मिलेगा. And hence D is also wrong. So इस question का answer सिर्फ option C है. I hope आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी. And in case अगर आप और ज़्यादा curious हैं वेदांतु एकलव्य के बारे में जानने के लिए, then I would advise you guys कि please इसे आप Google पर search करें. Take care.